हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आइए आज की वीडियो में एक बहुत ही अनोखी चीज हम समझेंगे जो शायद आज तक आप नहीं समझे होंगे। ठीक है दोस्तों, मान लो इसको पहले हम लिख करके समझते हैं। मान लो कि ये हमारा सा है, स्वर को समझना है, स्वर पर ही पूरा खेला है संगीत का, तो स्वर को ही समझना है। तो इसी माध्यम से हम समझेंगे स्वर को। ये हमारा मान लो सा है, ठीक है, यानी जीरो है। ठीक है, तो जीरो को हम सा मान रहे हैं। ठीक, तो इसी जीरो पर हमें अंक बैठाना है, कोई भी अंक बैठाना है। तो इसी जीरो के अगर हम आगे कोई अंक बैठाते हैं तो जितना अंक बैठाएंगे उसका मूल्य उतना ही रहेगा। जैसे एक अगर हम बैठाते हैं, तो इसका मूल्य एक ही है नहीं, दो बैठाएंगे तो इसका मूल्य दो ही होगा, तीन बैठाएंगे तो इसका मूल्य तीन ही होगा, चार बैठाएंगे तो इसका मूल्य चार ही होगा। लेकिन इसी अंक को अगर हम इधर बैठा देते हैं तो क्या होगा, उसका मूल्य दोगुना बढ़ जाता है। जैसे ये हमारा सा है नहीं, और हमने अंक को दाहिने बैठाया है, लेकिन अगर अंक को हम बाएं बैठा देते हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा, उसका मूल्य 10 गुना बढ़ जाता है। ठीक है दोस्तों, इसी के माध्यम से हम समझेंगे हारमोनियम के स्केल को, हारमोनियम के स्वर को। ठीक है, आइए मान लेते हैं कि ये हमारा पहली काली सा है। ठीक है, पहली काली सा है, फिर यहां तार सप्तक का भी सा है, इसके ऊपर भी यहां पर सा है, और फिर इसके नीचे भी यहां पर फिर सा है। ठीक है, तो सब सा ही है, इसको कैसे समझना है? तो मान लो कि ये हमारा सा है, जैसे सा सा बोल रहा है, इसके ठीक दो गुना आवाज अगर हम बोलेंगे, इससे ठीक दो गुने आवाज में अगर हम बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा तार सप्तक का सा हो जाएगा। ठीक, इसके दो गुना आवाज होना चाहिए, उससे कम ज्यादा नहीं होना चाहिए। जैसे इसको हमने सा लगाया, सा, तो दो गुना आवाज क्या लगेगा, सा सा, तो क्या हो जाएगा, वो तार सप्तक का हो जाएगा सा। जैसे देखो लीजिए, सा सा आवाज मिल रहा है, तो इसके दो गुना आवाज हम लगाते हैं तो क्या हो जाएगा, तार सप्तक का सा हो जाएगा। ठीक है, अब इसके आगे अगर हमको बढ़ना है तो फिर इससे दो गुना आवाज अगर हम लगाएंगे तो फिर हमारा अति तार सप्तक का सा हो जाएगा। इसको अति तार सप्तक का सा बोलेंगे। ये अगर हमारा सा है तो ये तार सप्तक का सा हो जाएगा, फिर ये वाला हमारा अति तार सप्तक का सा हो जाएगा। ठीक, ठीक उसी तरह इस सा से दोगुना नीचे बोलेंगे, दोगुना आवाज नीचे बोलेंगे, यानी मोटा आवाज बोलेंगे, धीरा आवाज बोलेंगे, तो क्या होगा, वो हमारा मंद्र सप्तक का सा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? इससे दुगुना आवाज बोलेंगे तो तार सप्तक का सा, इससे दुगुना कम आवाज बोलेंगे तो मंद सप्तक का सा, ज्यादा बोलेंगे तो दाहिने बढ़ेंगे, कम बोलेंगे तो बाएं आएंगे, यानी ज्यादा बोलेंगे तो ऊंचा आवाज जाएगा, कम बोलेंगे तो क्या होगा, नीचा आवाज हमारा आएगा। ठीक है, ठीक उसी तरह अब जैसे हमारा सा है, सा रे, अब जो हम रे बोल रहे हैं ठीक इसके दो गुना बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा वो तार सप्तक का रे हो जाएगा। ठीक है, वो हमारा तार, जैसे रे रे, समझ में आया, सा रे, तार सप्तक में बोलना होगा तो सा रे। तो आगे अगर हम लगा देते हैं फोर्स तो क्या हो जाएगा, वो हमारा तार सप्तक में चला जाएगा, और पीछे लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, वो हमारा मंद्र सप्तक में आ जाएगा। ठीक, ये क्रिया किसी भी स्वर के साथ हो सकता है, सा रे ग म प ध नी, ये किसी भी स्वर के साथ हो सकता है, सा रे ग, तो जितना जितना स्वर यहां लगा है उतना ही स्वर इन तीनों में भी लगेगा। ये भी सारे ग ही है, जो हम यहां बोल रहे हैं वही चीज यहां भी बोलना है हमको, लेकिन
जो आवाज हमारा यहां लगेगा उसके दोगुना आवाज यहां लगेगा। सारे आगे क्या है, सारे तो आवाज बढ़ता चला जाएगा, ठीक है। लेकिन अमूमन तार सप्तक में पंचम तक दैवत लोक तक लोग जाते हैं, यानी यहां तक लोग निषाद तक भी चले जाते हैं, या अति तार सप्तक के सा तक भी कोई कोई लोग चले जाते हैं, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, उतना चिल्लाने की जरूरत नहीं है। हमें मध्य सप्तक अगर हम पहली काली को मानते हैं तो तार सप्तक तक, और तार सप्तक के सा से हमें तार सप्तक के पंचम तक, मध्यम तक अगर हम चले जाते हैं, दैवत तक चले जाते हैं, तो हम नेचुरल आवाज में अगर उतना चले जाते हैं तो बहुत ही खूबसूरत आवाज होता है। उससे ज्यादा अगर हम जाते हैं तो वो चिल्लाना ही होगा, वो राव ही होगा, वो शोर शराबा ही होगा, वो आवाज अच्छी नहीं होगी, ठीक है। मंद्र सप्तक में अगर हम जितने नीचे आते हैं, मंद्र सप्तक का गुणजन लोग कहते हैं कि मंद्र सप्तक का जितना आप ज्यादा अभ्यास करेंगे, जितना अच्छे से अभ्यास करेंगे, उतना आप तार सप्तक में अच्छे से गा सकते हैं। तो मंद्र सप्तक में भी अच्छे से गाना है। तो इन चीजों को आप समझ गए कि जो भी हम स्वर यहां लगाते हैं उसके दुगुना स्वर हम लगाते हैं तो वो तार सप्तक में चला जाता है, और उससे दुगुना कम स्वर लगाते हैं तो हमारा मंद्र सप्तक में आ जाता है, ठीक है दोस्तों। अब इन्हीं चीजों को हमें अभ्यास करना है, इन्हीं चीजों को हमें अभ्यास करना है। सा हमने यहां बोला, सा सा तक आपका आवाज नेचुरल जाए वहीं तक जाए, फिर वहां से आप लौट आए, यानी ग के बाद अगर आपका स्वर नहीं लग रहा है, आवाज फट रहा है, तो आगे बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है आपको, फिर वहीं से लौटना है ग रे सा, और फिर नीचे भी आना है। अब जैसे नीचे आना है सा नी, तो फिर क्या यहां क्या होगा, सा दा, तो फिर यहां भी होगा दा, तो होगा क्या कि आपको सभी सप्तकों के स्वर का आइडिया लगेगा कि हम तार सप्तक में बोल रहे हैं, यानी दुगुना आवाज में बोल रहे हैं, तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, और फिर हम नेचुरल आवाज मीडियम आवाज में बोल रहे हैं तो हमें कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो अपने रियाज में इस तरह के अभ्यास को भी आपको शामिल करना है, ताकि आपको स्वर का उतार, स्वर का चढ़ाव, यानी स्वर का ऊंचापन, स्वर का नीचापन, ये आपको पता चल सके। इससे क्या होगा कि स्वर आपके दिमाग में गूंजेगा, स्वर का ज्ञान बढ़ेगा। मैं आशा करता हूं कि इन बातों को आप समझ गए होंगे, इसका आप अच्छे से अभ्यास करेंगे। तो आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर आपको ये वीडियो प्यारा लगा है तो कृपया एक प्यारा से कमेंट कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके ऑल पर प्रेस कर लें, ताकि इस तरह के संगीत से जुड़ी हुई वीडियो आपको हमेशा मिलती रहे। तब तक के लिए गाते रहिए, मुस्कुराते रहिए, धन्यवाद।